स्टार्ट। सभापति महोदय, हम इस देश में इंसाफ, इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज देश में हम जाति के खिलाफ हैं? जाति की बुनियाद पर राजनीति करने वाले जिसके जहन में उस क्षेत्र की गरीबी, लाचारी और बेबसी कभी दिमाग में नहीं आई, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज पूर्वांचल का वह गरीब जिसे पिछड़ा कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ दलित पिछड़े हों चाहे अकलियत के लोग हों, वहाँ सामान्य समाज के लोग भी पिछड़े हैं। चूँकि पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहाँ के चाहे बुनकर, किसान एवं नौजवान हों, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का कोई साधन नहीं। मैं इसलिए इस बात को चर्चा में लाना चाहता हूँ। इसकी चर्चा हो चुकी है कि आज भी प्रदेश, खासकर पूर्वांचल में रहने वाला गांव का गरीब झोपड़ी में रहता है। आज़ादी के 60 साल बाद भी आज वह अपने दोजन की रोटी के लिए तरसता है। आज 60 साल के बाद भी हम पूर्वांचल के उस गरीब की चकाचौंध रोशनी में पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, लेकिन उस पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि आज भी वहाँ ऐसे तमाम गांव हैं, चाहे केंद्र की सरकार कितना भी प्रचार करे, बोर्ड लगा दे, लेकिन आज भी वह गरीब बिजली के खंभे को देखने के लिए तरस जाता है। आज भी हम पूर्वांचल के पिछड़ेपन की चर्चा करते हैं, जहां 6.5 करोड़ लोग रहते हैं। आज भी जहां 30% आबादी रेल में बैठने के लिए तरसती है, उस पूर्वांचल की हम चर्चा करते हैं। इसका एक ही कारण है, जहां जिनकी भी सरकारें रही हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रांत से लेकर केंद्र की सरकार में सबसे ज़्यादा दिन तक रही है। लोगों ने पढ़ना लिखना बीच में ही छोड़कर रोजी रोटी की तरफ मुख कर लिया। अगर घर में लड़की हो तो उसको घर में ही बिठाए रखा, पढ़ने नहीं भेजा, क्योंकि घर के बाकी सदस्य जो काम के लिए जाएंगे तो उनको खिलाएगा कौन? इसके कारण ही आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि विकास के सब रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। लोगों में असुरक्षा महसूस होने लगी है। कुछ पढ़े लिखे बेकार नौजवान आतंकवाद की राह पर चल पड़े, कुछ मजदूरी करने लगे और कई बेकार नौजवान गांवों में जुआ खेलना, लड़ना झगड़ना आदि काम करने लगे। इस कारण हमारे देश की जनसंख्या आज 1 अरब से ऊपर हो गई है।
स्टॉप।